हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक हेयर कट देखने वाले हैं। मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस डाल नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी, कुछ घर की कमिटमेंट थी। आप देखिए, इनके बाल स्ट्रेट कटे हुए हैं और थोड़े से लंबे हैं। इन बालों में मैं आज रबर बैंड की कटिंग करने वाली हूँ। आगे के बालों में मैंने लेस दिया है, इसके लिए मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग की है और बालों को सामने की ओर लाते हुए मैं कट करने वाली हूँ। सामने की ओर लाते हुए मैंने अच्छी तरह से कंघी करी है और फिर डिज़ायर लेंथ कस्टमर से पूछ लिया है मैंने, और अब मैं वहाँ से बाल काट दे रही हूँ। तो इतने मैंने एक्स्ट्रा बाल निकाले हैं और अब सेंटर पार्टिंग करके मैं दोनों तरफ के लेयर्स को चेक करने वाली हूँ। तो इस तरह से ईयर टू ईयर पार्टिंग करके सामने ला के अगर आप बालों को काटेंगे तो आसानी से आपके बालों में दोनों तरफ लेयर्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं लेयर्स आ गए हैं और जो अनइवन से हैं उसको मैं काट के कैंची से निकालने वाली हूँ। अब दूसरी तरफ के भी लेयर्स को मैं चेक कर रही हूँ और इसमें जो भी अनइवन से दिखेंगे उसको मैं कट करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, आप खुद के बाल भी बल्कि इस तरह से काट सकते हैं। तो ये आगे की कटिंग मेरी हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेयर्स आपको दिख रहे हैं साइड से, कितना सुंदर सा कटिंग आ गया है। और अब मैं बैक की कटिंग करने वाली हूँ। बैक की कटिंग करने के लिए मैं बालों को अच्छी तरह से कॉम करूँगी, पीछे के बालों को। आगे के बालों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर दिया है। पीछे के बालों में मैं रबर बैंड लगाऊँगी इस तरह से, कम लो पोनी बनाकर। एक सेंटर में मैंने पोनी बनाई है, सॉरी लो नहीं बनाई है, बहुत ना बहुत ऊंची बनाई है ना बहुत नीची बनाई है, सेंटर में मैंने एक पोनी बनाई है। और यहाँ भी जितनी लेंथ मैंने आगे ली थी उसी लेंथ पे बैक पे से भी कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से मैं कटिंग करूँगी तो नीचे हल्के हल्के से स्टेप्स आ जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने रबर्स को खोल दिया है तो आपको यहाँ पे हल्के हल्के से स्टेप नज़र आएंगे। इनको भी मेरे इस क्लाइंट को भी अपने बालों को थोड़ा छोटा शॉर्ट करवाना था और काफ़ी अच्छी कटिंग हुई है इनकी भी। आप देखिए, अब मैं ऊपर के बालों में थोड़ा स्टेप्स लूँगी। तो यहाँ के बालों को मैंने क्राउन एरिया के बालों को ऊपर की ओर करते हुए मैंने अच्छी तरह से कंघी करा है और मैं यहाँ पर एक रबर बैंड लगा दूंगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद से घर में बैठे बैठे अपना बाल काटना चाहते हैं और पार्लर नहीं जा सकते, या फिर पार्लर जाने में जो इंटरेस्टेड नहीं है वो इस तरह से अपने बालों को काट सकते हैं। तो आगे के बालों में लेयर्स आ जाएंगी और बैक के बालों में स्टेप्स आ जाएंगे। देखिए, इतनी लंबाई मैंने निकाल दी है और अब जब मैं इनको खोलूँगी तो ये नीचे के बालों से जाके मिक्स हो जाएगा और इस तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नीचे के बालों को एक शेप दे दूंगी और इस तरह से मैंने नीचे के बालों में एक शेप सा ले लिया है। जो भी अनइवन बाल हैं उनको आप काटते चले जाएं, ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा बाल कट जाएंगे। क्लाइंट आपको जितनी लेंथ बोले उससे आप थोड़ा सा लंबा रखें बालों को, क्योंकि जब हम बाल काटते हैं तो थोड़े से छोटे हो ही जाते हैं। तो जितना क्लाइंट आपको लेंथ बता रहा है उससे थोड़ा सा लंबा रखें आप बालों को और फिर आप कट करते चले जाएं। अब मैं क्या करूंगी कि ऊपर के बालों को और नीचे के बालों के स्टेप्स को मैं मिलाने वाली हूं। तो इस तरह से मिक्स कर देने से पीछे के बालों में अच्छी तरह से स्टेप्स आ जाएंगे। पूरे सर के बालों को इस तरह से उठाते हुए मैंने मिक्स कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं गाइडलाइन देखते हुए मैंने वो एक्स्ट्रा बालों को निकाल दिया है। तो अब लेंथ यहाँ पे कम नहीं हो रही है, बस ऊपर के स्टेप जो है वो सेट होते चले जा रहे हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, दो जगह रबर बैंड लगा के आप कट कर लें, उसके बाद फिर नीचे के स्टेप्स और ऊपर के स्टेप्स को इस तरह से हाथों से उठाते हुए कट कर दें तो ये मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे के बालों में हल्के हल्के स्टेप्स आ जाएंगे और आगे के बालों में तो लेयर्स आ ही चुके हैं। तो अभी तक आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो और आपको लग रहा हो कि आप इस वीडियो से कुछ लर्न कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो इस तरह से आप बालों को बराबर से भी हल्का सा शेप लेते हुए कट कर दीजिए। अभी मेरी लगभग पूरी कटिंग हो गई है, अब मैं फ्रंट से बैक के बालों को मिक्स कर दूंगी। तो इस तरह से बैक के बालों को लाते हुए फ्रंट के बालों से मिक्स कर दे रही हूँ।
मिक्सिंग ज़रूरी है, मिक्सिंग बालों की मिक्सिंग हो जाती है तो बालों की कटिंग प्रॉपर दिखती है। तो यहाँ पे मैंने बालों को मिक्स कर दिया। इस तरह से आप भी मिक्स कर लें बालों को। मिक्स कर देने से बालों में एक अच्छा सा लुक आ जाता है। आप देखिए इनका फेस राउंड है और चिक्स काफ़ी भरे भरे से हैं, तो ये वाली कटिंग इनके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे इनका चेहरा फ्रेम सा हो रहा है और इनके ऊपर ये कटिंग अच्छी लग रही है। अब इन्हें थोड़ा सा आगे से मैंने सेंटर पार्टिंग करके कटिंग की है, लेकिन इनको साइड पार्टिंग चाहिए, तो साइड पार्टिंग करके मैं आगे की थोड़ी सी फ्लेक्स लेने वाली हूँ इनकी। तो इस तरह से देखिए इनके सेंटर पार्टिंग के लुक कैसे आ रहे हैं, और अब ये साइड पार्टिंग का लुक मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि दोनों लुक में ही ये बहुत सुंदर लग रही हैं। अब ये मैं साइड करके इनके बालों को मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा नोचिंग कर रही हूँ। साइड पार्टिंग करते हुए मैं बालों को हल्का सा नोचिंग कर रही हूँ, कटिंग नहीं कराया मैंने, बस सिर्फ नोचिंग किया है। और यहाँ पे देखिए सेंटर पार्टिंग का तो लुक आप इनका देख चुके, अभी ये साइड पार्टिंग का भी लुक देख लीजिए। तो दोनों में से जो भी लुक आपको पसंद आया हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनके ऊपर कौन सा लुक सेट कर रहा है, सेंटर पार्टिंग वाला या साइड पार्टिंग वाला। तो इस तरह से इनकी सारी कटिंग हो गई और अब मैं नोचिंग कर रही हूँ। नोचिंग कर देने से क्या होता है, बालों में शार्प लुक आता है और बाल अच्छे लगते हैं। और देखिए मैं इनके बालों को दिखा रही हूँ आपको, कितने बाल मैंने निकाले हैं, और इस तरह से इनका ये फाइनल लुक है सेट करने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।